अल्लाह ताला ने वाजिया फरमाया है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, मगर हमारी सफ़ों में छुपी काली भेड़ें कभी भी हमें दुरुस्त फैसले करने ही नहीं देती। बल्कि ये ईमान फरोश और पैसे के पुजारी लोग मुल्की सालमियत और वतन की अहमियत का सौदा करने से कभी नहीं चूकते। इसराइल, जिसे आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, वो मुस्लिम दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने से लेकर ज़ुल्म और बर्बरियत की अंधोनाक मसाले कायम करने में इसका कोई सानी नहीं, जबकि अब वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत को हर मौका पर सपोर्ट करता आ रहा है। इससे भारत के साथ कई ऐसे जोहरी माहदे कर रखे हैं जिनकी बिना पर वो इंडिया को भारी हथियार फ्राहम कर रहा है। बालाकोट हमले से लेकर पाकिस्तानी हदूद में दरन अंदाजी तक हर जगह इसराइल का साया भी भारत के साथ महसूस होता है। रफेल तैयारों की डील से गोला बारूद की रसद तक काफ़ी मामलात में इसराइल ने भारत के साथ तआवुन किया है। अब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं तो एक बार फिर इसराइल ने भारत को हथियार बेचने और बरवक्त रसद पहुंचाने का अंदिया दिया है। इसराइल अपने जदीद स्पाइस 2000 बम्बों की नई खेप सितंबर के वस्त तक भारतीय फजाया के हवाले कर देगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्पाइस 2000 बम्बों की फराहमी इसराइल भारत के दरमियान 300 करोड़ रुपए की दफाई माहदे का हिस्सा है। भारत और इसराइल के दरमियान 100 से ज्यादा स्पाइस बम्बों की खरीदारी का माहिदा रवां बरस जून में तय पाया था। भारतीय एयरफोर्स का दावा है कि भारत ने बालाकोट हमले में स्पाइस बम्बों से बम्बारी की थी। अब भारतीय फजाइया इसराइली दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनी से मजीद 100 स्पाइस बम खरीदेगी।